आगे आगे चले हुए हैं, पीछे जयराम जी को लंबा पा दिया। मैं तो उनको यही कहूंगा कि आपने बड़ा अच्छा मनोरंजन पिछले एक महीने हम सब का किया, उसके लिए मंडी के लोगों की ओर से मैं आपका भी बहुत बहुत बधाई देता हूं आपको। मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो अपने बिना कार्यकर्ताओं के आए, बिना भाजपा के कार्यकर्ताओं के आए, मंच के ऊपर बिठा दिया, तो उनको ये नहीं पता होगा कि ये जोगिंदर नगर है कि सरका घाट है, कि ये जो है करसोग है। इस तरीके के भौगोलिक हाल है। जब आपदा का दौरान था वो कहां पे थी, हमारे बीच क्या उपस्थित थी, क्या लोगों को मिलने आई, उनका दुख दर्द जानने के लिए आई। कहती हैं कि मैं उस समय अभिनेत्री थी, बॉलीवुड के जो एक बड़े स्टार है आमिर खान, उन्होंने बिना कुछ कहे प्रदेश सरकार को 25 लाख रुपए दिए, जो 16 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे। किन संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, क्यों उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, क्यों उसके ऊपर कोई SIT नहीं बिठाई गई, क्यों उसके ऊपर एक छोटी सी तफ्तीश भी, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई और सीधे उस केस को बंद कर दिया गया, ये आज एक बड़ा प्रश्न है। लोकसभा के अंदर भी अगर मुझे ये आने वाले समय में उठाना पड़ेगा, ये मेरा वादा है कि इस विषय को मैं गंभीरता के साथ केंद्र सरकार के समक्ष आने वाले समय में उठाऊंगा। कई बार राजा वीरभद्र सिंह जी ने चुनाव लड़े, हारे भी, प्रतिभा सिंह जी ने चुनाव लड़े, जीते भी और हारे भी, मगर निरंतर आप लोगों के साथ खड़े रहे। आज जिस तरीके से भाजपा की प्रत्याशी है आज बड़ी बड़ी बातें कर रही है, मगर उनको पता है कि 4 जून को उन्होंने वापस मुंबई चले जाना है, क्योंकि वो यहाँ पे केवल छुट्टियां मनाने आई है। उनको इलाके की भौगोलिक परिस्थिति के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको देश के इतिहास के बारे में कोई जानकारी नहीं है, उनको प्रदेश के बारे में कोई जानकारी नहीं है। मैं तो ये कहता हूं कि अगर वो अपने बिना कार्यकर्ताओं के आए, बिना भाजपा के कार्यकर्ताओं के आए, मंच के ऊपर बिठा दिया, तो उनको ये नहीं पता होगा कि ये जोगिंदर नगर है कि सरका घाट है, कि ये जो है करसोग है। इस तरीके के भौगोलिक हाल है। तो ये ऐसे व्यक्ति जिनको हमारे लोगों के बारे में नहीं पता, कोई जानकारी इलाके की नहीं है, यहाँ के मुद्दों के बारे में नहीं पता, क्या क्या वो कहती हैं मंच के ऊपर, क्या क्या बातें करती हैं वो आप सब जानते हैं, सोशल मीडिया में क्या क्या चीज़ें आती हैं, मुझे तो कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, सब लोग सब चीज़ें जानते हैं, सब बुद्धिजीवी है, इसलिए मैं उन चीज़ों के अंदर नहीं जाना चाहता हूँ। मैं तो उनको यही कहूँगा कि आपने बड़ा अच्छा मनोरंजन पिछले एक महीने हम सब का किया, उसके लिए मंडी के लोगों की ओर से मैं आपका भी बहुत बहुत बधाई देता हूँ आपको कि आपने यहाँ के लोगों का अच्छा मनोरंजन पिछले एक महीने तक किया, मगर अब आपकी विदाई होना यहाँ से तय है और जयराम जी आपकी खुद यहाँ से विदाई करेंगे, इसका भी मुझे पूरा विश्वास है, क्योंकि अंदर खाते भाजपा के लोग भी यही बोल रहे हैं कि कितनी जल्दी ये मुसीबत टले उतना अच्छा है। जो हाल आज भाजपा के नेताओं के करे हुए हैं उसका जिक्र तो अभी कर ही दिया कि आगे आगे चले हुए हैं, पीछे जयराम जी को लंबा पा दिया। तो आज ये हाल, ये तो केवल एक इंस्टेंस हुआ, मगर आज ये हाल भाजपा के अंदर है। आज भाजपा के विधायकों के अंदर, भाजपा के कार्यकर्ताओं के अंदर घुटन है कि एक ऐसे व्यक्ति को हमें ऊपर आके हमारे ऊपर थोप दिया जिनका कोई सरोकार हमारे लोगों के साथ नहीं। मैं तो ये पूछता हूं कि आपको अगर चुनाव में उतारना ही था तो कोई और कर्मठ कार्यकर्ता उतारते, जिसको इलाके के बारे में जानकारी थी उनको उतारते, हम भी उनका समर्थन करते। महेश्वर सिंह जी जो हमारे कुल्लू से हैं, आपके कई बार यहाँ के इलाके के सांसद रहे, उन्होंने टिकट मांगा, उनको टिकट क्यों नहीं दिया, आज बड़ा एक बड़ा प्रश्न है। हमारे ब्रिगेडियर कुशाल ठाकुर जी, उनको वो भी पिछली बार कुछ मतों से रह गए थे, उनको टिकट क्यों नहीं दिया, क्या आवश्यकता पड़ गई कि आपको बंबई से एक मोहतरमा को यहाँ पर टिकट देने की आवश्यकता पड़ी है। ये चीज़ें आज है, और वो खास करके जब आपदा का दौरान था वो कहाँ पे थी, हमारे बीच क्या उपस्थित थी, क्या लोगों को मिलने आई, उनका दुख दर्द जानने के लिए आई। कहती हैं कि मैं उस समय अभिनेत्री थी, आपको जानकर खुशी भी होगी और हैरानी भी होगी कि बॉलीवुड के जो एक बड़े स्टार है आमिर खान, उन्होंने बिना कुछ कहे प्रदेश सरकार को 25 लाख रुपए दिए, दान दिया। यहाँ से पूर्व में सांसद रहे पंडित रामस्वरूप शर्मा जी, स्वर्गीय रामस्वरूप शर्मा जी, ये भी आज
एक चिंता का विषय है। हम उनका बतौर सांसद, दो बार वो सांसद रहे, उनका बहुत मान सम्मान करते हैं, मगर आज तक भारतीय जनता पार्टी ने क्या कारण है कि उनके मृत्यु के कारणों को खोज करने के लिए कोई SIT का गठन नहीं किया, ये एक बड़ा विषय है जिसके बारे में जवाबदेही भारतीय जनता पार्टी की सरकार की बनती है कि केंद्र में इतने बड़े नेता जो 16 लाख लोगों का प्रतिनिधित्व कर रहे थे, किन संदिग्ध परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हुई, क्यों उसके ऊपर कोई इंक्वायरी नहीं हुई, क्यों उसके ऊपर कोई SIT नहीं बिठाई गई, क्यों उसके ऊपर एक छोटी सी तफ्तीश भी, प्रीलिमिनरी इन्वेस्टिगेशन भी नहीं की गई और सीधे उस केस को बंद कर दिया गया, ये आज एक बड़ा प्रश्न है। कोई छोटे सा छोटा व्यक्ति भी अगर किसी की मृत्यु होती है उसमें भी FIR होती है। हमारा सांसद जो दो बार यहां से चुने गए, उनके ऊपर, उनकी मृत्यु के ऊपर कोई भी ऐसी इंक्वायरी ना होना, ये इस चीज को दर्शाता है कि कुछ ना कुछ इसमें हुआ है जो ये चाहते हैं कि बाहर ना निकले। मगर इसको भी हम, इस विषय को, इसका राजनीति से कोई संबंध नहीं है, मगर फिर भी एक संवेदनशीलता के नाते, एक भाईचारे के नाते इसको उठाना, ये हमारा दायित्व बनता है। और निश्चित तौर से जहां मुझे लगेगा लोकसभा के अंदर भी अगर मुझे ये आने वाले समय में उठाना पड़ेगा, ये मेरा वादा है कि इस विषय को मैं गंभीरता के साथ केंद्र सरकार के समक्ष आने वाले समय में उठाऊंगा, इसका भी मैं आपको पूरा विश्वास दिलाना चाहता हूं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं आप सबका एक बारी फिर से दिल की गहराइयों से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। जय हिंद, जय हिमाचल।